दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में कुछ ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन्हें बनते हुए देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आज आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाई है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लें। वाटर टैंक मेकिंग मशीन। दोस्तों वाटर टैंक बनाने के लिए इस मशीन में चार मोल्ड लगाए जाते हैं। वाटर टैंक बनाने में सबसे पहले इन मोल्ड में एक खास तरह का प्लास्टिक मटेरियल पाउडर जो LLDPE पाउडर का मिक्सचर होता है उसे मोल्ड में डाला जाता है। ये पाउडर डालने के बाद इन मोल्ड को पूरी तरह से सील किया जाता है। फिर इन मोल्ड को अच्छी तरह से सील करने के बाद इस चेंबर को बंद कर दिया जाता है और मोल्ड का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है और इस चेंबर के अंदर लगे वर्नर को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। गर्मी के कारण मोल्ड के अंदर डाला गया पाउडर पिघलकर मोल्ड के चारों तरफ अच्छी तरह से चिपक जाता है और फिर कुछ देर के बाद चेंबर का दरवाजा खोलकर कूलिंग फैन चलाकर इन मोल्ड्स को ठंडा कर दिया जाता है और फिर आखिर में इन मोल्ड को ओपन करके चारों मोल्ड के अंदर से वाटर टैंक को निकाल लिया जाता है। इस तरीके से वाटर टैंक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। PVC पाइप मेकिंग मशीन। दोस्तों पाइप को बनाने के लिए सबसे पहले PVC रेजिन पाउडर को कई तरह के खास तरह के पाउडर के साथ मशीन में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर पाइप को मनचाहा रंग देने के लिए अलग अलग तरह के पिगमेंट्स डाले जाते हैं। फिर ये मिक्सचर मशीन में अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद सुखाया जाता है और दूसरी मशीन में डालकर इस मिक्सचर को गर्म करके एक लिक्विड के आकार में बनाकर ये मशीन इसे गोल आकार देना शुरू कर देती है और जैसे जैसे पाइप बाहर आता है तो इस पाइप को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला जाता है और पाइप का नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इसे अच्छे से गोल आकार देकर इस पाइप को पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है। पेंसिल मेकिंग मशीन। दोस्तों पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। फिर ये मशीन इसे मिक्स करके इसे एक कच्ची पेंसिल के आकार में काटती जाती है। फिर इन सभी कच्ची पेंसिलों को आग में पकाकर मजबूत कर लिया जाता है। अब बात करते हैं रंगीन पेंसिल बनाने की। दोस्तों पेंसिल को जिस रंग का बनाना होता है उसी अनुसार ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर उसी रंग का पाउडर मिक्स किया जाता है जिससे पेंसिल लाल, हरी या पीली किसी भी रंग की बनाई जा सकती है और फिर पेंसिलों को प्रिंट करने का काम ये मशीन करती है और फिर आखिर में ये मशीन इन पेंसिलों को आगे से छिलकर इनकी नोक भी तैयार कर देती है। इस तरह से फैक्ट्री में हर तरह के कलर की पेंसिल तैयार की जाती है। फैन मेकिंग मशीन। दोस्तों फैक्ट्रियों में तेजी से भारी मात्रा में फैन बनाने के लिए सबसे पहले इस रोटर में प्लास्टिक की शीट्स काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और फिर इसके बाद इस रोटर पर ऑटोमेटिक कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। ये मशीन बहुत ही तेजी के साथ में इस रोटर पर वाइंडिंग करती जाती है। फिर इन रोटर पर कॉपर वायर की वाइंडिंग करने के बाद इन सभी मोटर्स को हाई क्वालिटी वर्निश में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद वर्कर्स की मदद से इन मोटर्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सोल्डरिंग, शॉफ्ट प्रेसिंग, ग्राइंडिंग और फिर आखिर में एंटी रस्ट कोटिंग की जाती है। फिर इसके बाद फैन की पंखुड़ियां बनाने का काम शुरू होता है। फैन की पंखुड़ियां बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम शीट इस मशीन में डाल दी जाती है। ये मशीन इन शीट को पंखुड़ी के साइज में प्रॉपर तरीके से काटती रहती है। फिर इन पंखुड़ियों में छेद किए जाते हैं। फिर इन पंखुड़ियों को मशीन से एक आकार में बनाया जाता है जिससे कि हवा तेज और सही ढंग से आ सके। फिर इन पंखुड़ियों को मोटर के कवर से बांधने के लिए इनमें एल्यूमिनियम की एंगल लगाई जाती है और फिर मोटर के कवर और पंखुड़ियों को पेंट कर दिया जाता है और फिर आखिर में इन फैंस पर कंपनियां अपनी अपनी मोहर लगाकर इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज देती हैं। डिनर सेट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आजकल मार्केट में मिलने वाले डिजाइनदार डिनर सेट के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले सिरामिक पाउडर को ले लिया जाता है और उस पाउडर को बर्तन के वजन के हिसाब से तोला जाता है। फिर इस पाउडर को इस हाइड्रोलिक मशीन में एक प्लेट के सांचे के अंदर डाल दिया जाता है। फिर मशीन को ऊपर से प्रेस किया जाता है
जब ये मशीन ऊपर उठती है तब ये पाउडर एक सफेद प्लेट का रूप ले लेता है। फिर इस प्लेट पर सुंदर डिजाइन देने के लिए इस पर ग्लो चिपकाया जाता है और फिर इस ग्लो के ऊपर एक डिजाइनदार पेपर रखा जाता है और फिर दोबारा से इसके ऊपर इस मशीन को प्रेस किया जाता है। जब ये मशीन ऊपर उठती है तब डिजाइन प्लेट्स पर अच्छे से चिपक जाता है और फिर प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह से डिनर सेट के सुंदर सुंदर बर्तन तैयार किए जाते हैं। गोल्ड ब्रिक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने की ईंटें कैसे बनती हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि हर तरह के सोने के सेट, सोने के कड़े, सोने की चैन व सोने का हर आइटम कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सोने की ईंट बनाने के लिए सबसे पहले बेकार सोने को या फिर किसी भी सोने को एक आग की भट्टी में डाला जाता है। फिर आग में सोने को अच्छी तरह पकाने के बाद सोना एक लिक्विड के रूप में आ जाता है। फिर सोने को जिस तरह का आकार देना होता है उसी तरह के सांचे में सोने के लिक्विड को डाला जाता है। जैसा इस वीडियो में दिख रहा ईंट के आकार का यह लोहे का सांचा है। फिर उस लिक्विड को ठंडा होने के बाद इसे सांचे के अंदर से निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस से सोने की ईंट तैयार हो जाती है। और दोस्तों, सोने के कड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले बेकार सोने को आग की भट्टी में डालकर लिक्विड बना लिया जाता है और फिर एक लोहे के सांचे में इस लिक्विड को डाल दिया जाता है और फिर इसे पीट कर कड़े का आकार दे दिया जाता है। इसी तरीके से हर तरह की सोने की चीजें बनाई जाती हैं और फिर CNC मशीन के द्वारा उन सोने की चीजों पर डिजाइन बनाने का काम किया जाता है। ये CNC मशीन बड़ी ही कमाल की होती है क्योंकि ये सोने के ऊपर बड़ी ही तेजी से बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बना देती है। इस मशीन में पहले से ही डिजाइन का प्रोग्रामर फीड कर दिया जाता है, फिर ये मशीन बड़ी ही सरलता से और सुंदर ढंग से उस डिजाइन को बनाती चली जाती है। और दोस्तों, मोतियों के ऊपर भी सुंदर सुंदर डिजाइन ये मशीन इसी तरह से बनाती है। इस तरह इस मशीन के द्वारा हर तरह के सोने को डिजाइन दे दिया जाता है। टी मग्स एंड कप्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चाय के मग और कप बनाने के लिए सबसे पहले एक रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। इस रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए मिट्टी और कई तरह के मटेरियल को पानी के साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक मोल्ड में डालकर मग की शेप दे दी जाती है। फिर इन मग को पकड़ने के लिए पहले से तैयार किए गए हैंडल को इन मग पर लगा दिया जाता है। फिर इन मग को ग्लेजिंग में डुबो दिया जाता है। फिर इन्हें पेंट करके और आखिर में इन मग की पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये सभी प्लास्टिक की चीजें कैसे बनती हैं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये प्लास्टिक की चीजें कैसे बनाई जाती हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक की कोई भी चीज बनाने के लिए प्लास्टिक का दाना HDPE का प्रयोग किया जाता है। इस दाने को मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन के अंदर की गर्मी के कारण प्लास्टिक का ये दाना पिघलकर एक पेस्ट का रूप ले लेता है। मशीन के अंदर कई अलग अलग आकार के मोल्ड होते हैं जो इस पेस्ट को आकार देने का काम करते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा ये मोल्ड बैट के आकार का है। फिर इस बैट को कंप्रेस किया जाता है और इसमें हवा भर कर ये बैट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से प्लास्टिक के सभी खिलौने बनाए जाते हैं, बस खिलौनों के अनुसार मोल्ड का आकार बदल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पानी भरने वाले प्लास्टिक के बड़े बड़े लोटे बनाए जा रहे हैं। इस मशीन में HDPE प्लास्टिक का दाना डालने के बाद इस मशीन में लगा बड़े लोटे का आकार देने वाला मोल्ड इन्हें आकार देकर फिर कंप्रेस करके इनमें हवा भर दी जाती है और फिर ये प्लास्टिक के बड़े बड़े लोटे तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से बड़े बड़े पानी के ड्रम को भी बनाया जाता है। मोल्ड का आकार बदल कर कंप्रेस करके बड़े बड़े पानी के ड्रम बनाए जाते हैं। और इसी तरह से प्लास्टिक के मग भी तैयार किए जाते हैं। कूड़ा उठाने के लिए प्लास्टिक के स्पट भी इसी तरह से बनाए जाते हैं और ठीक इसी तरह से प्लास्टिक बॉलें भी बनाई जाती हैं। HDPE प्लास्टिक का दाना मशीन में डालकर इस मशीन के हीट से इस प्लास्टिक को लिक्विड का रूप देकर एक गोल मोल्ड के जरिए इस लिक्विड को एक प्लास्टिक की बॉल का आकार दे दिया जाता है। और इसी तरीके से प्लास्टिक की कुर्सियां भी बनाई जाती हैं। प्लास्टिक का दाना मशीन में डालकर उसका लिक्विड बनाकर उसे कंप्रेस करके प्लास्टिक की कुर्सियां फैक्ट्री में तेजी से बनाई जाती हैं और
प्लास्टिक की हर चीज को अलग अलग कलर देने के लिए प्लास्टिक के दाने के साथ मस्टर्ड बेस पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे किसी भी रंग की कुर्सी या खिलौना बनाया जा सकता है। पीवीसी बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों, बच्चों के पीवीसी बॉल बनाने के लिए पीवीसी रेजिन पाउडर और कई तरह के पाउडर डालकर मशीन में अच्छे से घुमाकर मिक्स कर लिया जाता है और फिर एक गोल आकार के लोहे के ढांचे में डालकर गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे पाउडर ज्यादा गर्मी के कारण गोल ढांचे में चारों तरफ फैलकर एक छोटी बॉल का रूप ले लेता है और फिर इनमें हवा भरकर पीवीसी बॉल तैयार कर ली जाती है और फिर आखिर में इसके होल को बंद कर दिया जाता है। फिर ये बॉल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगी है, इसीलिए हम आपसे एक लाइक और एक शेयर की उम्मीद जरूर करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में दिख रही घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद।